यूक्रेन के जंगी मैदान में कुछ ऐसा हो रहा है कि टैंक युद्ध में जाने से पहले ही तबाह हो रहे हैं। ये बात सुनकर शायद दिमाग चकरा जाए, लेकिन ब्रिटेन में कुछ ऐसा ही हुआ। जो टैंक यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए भेजे जाने वाले थे, वो सारे के सारे टैंक ब्रिटेन के अंदर ही खत्म हो गए, नेस्तनाबूद हो गए। ये टैंकों की पिटाई का खौफ है जो खत्म ही नहीं हो रहा। पुतिन का खौफ क्या है? पुतिन के टैंकों की दहशत कैसी है? इन सवालों का जवाब ब्रिटेन से आ रही एक खबर में छुपा हुआ है, जिसमें दावा यह किया गया है कि ब्रिटेन अपने दर्जनों चैलेंजर 2 टैंकों को खुद ही नष्ट कर दे रहा है। ये बात सुनकर शायद आपके होश उड़ गए होंगे। आखिर कोई देश खुद ही अपने टैंकों को क्यों नष्ट कर देगा? लेकिन ये बात एकदम सच है। नेटो के टैंक पुतिन के खतरनाक टैंकों से इस कदर पिट रहे हैं कि पुतिन के विरोधियों को अजीबोगरीब फैसले लेने पड़ रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कथित तौर पर दर्जनों चैलेंजर 2 मुख्य युद्धक टैंक नष्ट कर दिए हैं। ये वो टैंक हैं जिनको पहले यूक्रेन में भेजे जाने की चर्चा थी। ब्रिटेन ने ऐसा फैसला क्यों किया, ये जानना बहुत जरूरी है। हम आगे इस सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन एक इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने 43 चैलेंजर 2 टैंक सेना से बाहर कर दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने इन 43 टैंकों को ये कहकर सेना से बाहर किया है कि अब इनको किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। एक इंटरनेशनल सीक्रेट रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने इन 43 टैंकों को युद्ध से बाहर करने का फैसला लेकर ब्रिटेन के टैक्सपेयर्स के लाखों पाउंड का नुकसान किया है। आखिर ब्रिटेन इतना डरा हुआ क्यों है कि उसके टैंक ही युद्ध छोड़कर भागने लगे हैं? न तो यूक्रेन को और न ही नेटो को जरा भी उम्मीद थी कि रूस की सेना नेटो के एडवांस टैंक को जलाकर राख कर देगी। जर्मनी का लेपर्ड 2, ब्रिटेन का चैलेंजर 2 और अमेरिका का एब्रम्स टैंक इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पुतिन के आदेश के बाद से रूसी सेना चुन चुन कर नेटो के टैंक्स को तबाह कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि रूस की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर यूक्रेन के टैंक हमला करने से पहले ही रूस के हमले का शिकार हो जाते हैं। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कुल 800 टैंकों को उनकी सेना चुन चुन कर तबाह कर चुकी है। सवाल ये है कि क्या इसी वजह से डर कर चैलेंजर टैंक्स को युद्ध से बाहर निकाला जा रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक इस निर्णय पर रक्षा मंत्रालय को लगभग 43 लाख यूरो का नुकसान हुआ है। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये दावे कर रहे हैं कि इन टैंकों को अगर नष्ट ही करना था तो कम से कम यूक्रेन के मैदान में ही उतार देते, वहां कम से कम ये बैटल टैंक लड़कर तो खत्म होते। आखिर ब्रिटेन के टैंकों को खुदकुशी क्यों करवाई जा रही है? इसकी एक वजह ये भी है कि सिर्फ टैंक बेहतरीन होना ही काफी नहीं है, टैंक को चलाने वाले सैनिकों के अंदर भी काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। आप यकीन नहीं मानेंगे, यूक्रेन के टैंक सैनिक जंग में टैंक छोड़कर भाग रहे हैं। ये वही यूक्रेनी सैनिक हैं जो सिर्फ 45 से 60 दिन पहले जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से टैंक युद्ध की जबरदस्त ट्रेनिंग लेकर आए हैं। लेकिन जैसे ही यूक्रेनी सैनिकों को असली टैंक युद्ध का सामना करना पड़ा, इनके तोते उड़ गए। लेकिन फिर भी ब्रिटेन की टैंक यूनिट की कमजोरी सामने आ ही रही है। ब्रिटेन की संसद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंथनी रेडाकिन का दावा है कि ब्रिटिश सेना के पास लगभग 200 टैंकों का रोस्टर था, लेकिन केवल 20% ही वर्तमान में युद्ध के लिए तैयार थे। अगर देखा जाए तो चैलेंजर 2 ब्रिटिश टैंक फोर्स की रीढ़ है, और यूक्रेन के मैदान में इन टैंकों का पिट जाना ब्रिटेन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ब्रिटेन ही नहीं, 250 से ज्यादा टैंक अकेले नेटो देश यूक्रेन को दे चुके हैं। ये वो टैंक हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि रूस के T-72, T-80 और T-90 जैसे बेहद ताकतवर टैंक इनके सामने टिक नहीं पाएंगे।
लेकिन पिछले 24 घंटे में दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में ज़ापोरिज़्या में रूसी सेना ने ऐसा गदर मचाया कि यूक्रेन की टैंक आर्मी जलकर राख हो गई। रूस के दावों के मुताबिक ज़ापोरिज़्या फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के 50 से ज्यादा टैंकों ने रूसी सेना पर हमला किया। दावों के मुताबिक रूस की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को यूक्रेन के टैंक सैनिक तोड़ना चाहते थे, इसीलिए चारों दिशाओं की तरफ से यूक्रेन ने अपने और नेटो से मिले टैंकों से एक साथ हमला रूसी सैनिकों पर कर दिया। लेकिन रूसी सेना ने हमले से बचाव करने की बजाय यूक्रेन के टैंकों पर सीधा हमला कर दिया। रूसी सैनिकों ने एंटी टैंक मिसाइल और बमों से यूक्रेन के टैंकों पर इतना जबरदस्त वार किया कि देखते देखते रूस के हमले में यूक्रेन के 22 टैंक मौके पर ही जलकर राख हो गए। यूक्रेन को 22 टैंकों का ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि यूक्रेन के 10 बख्तरबंद वाहन भी तबाह हो गए। रूस का दावा है कि 22 टैंकों के अलावा यूक्रेन के 100 टैंक सैनिक भी मौके पर ही मारे गए हैं। यूक्रेन को ब्रिटेन के द्वारा 28 चैलेंजर टैंक देने की बात हुई थी। कहा जा रहा है कि इसमें 14 टैंक यूक्रेन की धरती पर लड़ने भी गए लेकिन उनकी बहुत भद्दपिटी है। चैलेंजर 2 ब्रिटिश ग्राउंड फोर्सेस के लिए प्राथमिक युद्धक टैंक के रूप में काम करता है और इसका निर्माण 1994 और 2009 के बीच किया गया था। ब्रिटेन ने 400 से अधिक टैंकों का उत्पादन किया था और हर टैंक में 120 मिलीमीटर राइफल वाली तोप और 52 का शेल स्टॉक है। टैंकों की लंबाई लगभग 27 फीट और ऊंचाई 8 फीट है। टैंकों में विशाल V12 डीजल इंजन लगा है जो 1200 ब्रेकिंग हॉर्स पावर पैदा करता है। चैलेंजर 2 तीसरी पीढ़ी का युद्धक टैंक है जो रूस के T-80 और T-90 टैंक का सामना करने के लिए बनाया गया। बखमूत और ओदिशा में तो रूस टैंकों से 18 से 20 किलो के गोले सीधे यूक्रेनी सैनिकों पर दाग रहा है। टैंकों की जबरदस्त मारक क्षमता ने ज़ेलेंस्की को बंकर में पहुंचा दिया है। रूसी टैंकों के हमलों से जुड़ी इस हैरान करने वाली जानकारी को जरा आप भी समझिए कि क्यों रूस को टैंक युद्ध में यूक्रेन और नेटो नहीं हरा सकते। इसी को लेकर यूक्रेन की हालत गंभीर है। रूस अब 3000 टैंकों से एक साथ पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस के पास 10,200 टैंक होने का दावा किया जा रहा है। गूगल मैप्स से ली गई तस्वीरों के मुताबिक रूस के यूराल पर्वतों पर 19 टैंक बेस हैं, जहां 2,299 टैंक ऊपर से ही देखे जा सकते हैं, जबकि यूराल जैसे कई और बेस पर रूस के 10,000 से ज्यादा टैंक होने का अनुमान लगाया गया है। दावों के मुताबिक रूस के पास अभी भी हजारों T-72 टैंक हैं, जबकि 3000 T-80 टैंक रूस के पास अभी भी बताए जा रहे हैं। यहां तक कि रूस के पास 200 T-90 टैंक हमले के लिए तैयार हैं। ऐसी हालत में टैंक युद्ध में अब यूक्रेन रूस का मुकाबला कैसे करेगा? सकासेटनिक боеприпасов то оценку этим боеприпасам дала сама администрация Соединенных Штатов устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот я думаю, к этому так и надо относиться. इसके अलावा रूसी सेना ने 350 वर्ग किलोमीटर में फैले खार्किव शहर और कस्बों पर ट्रिपल अटैक किया है। 1,00,000 सैनिकों के साथ 900 टैंकों के अलावा रूस के तोपखाने ने खार्किव के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जानकारी के मुताबिक लिमन और कुपियांस्क में रूस ने 555 तोपों से हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि रूस की रॉकेट आर्मी 370 MLRS रॉकेट सिस्टम से दिन रात हमले कर रही है। खबर के मुताबिक रूस के तोपखाने और रॉकेट आर्मी ने खार्किव के लिमन और कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना को तबाह करके रख दिया है। इन इलाकों का रूसी सेना ने वही हाल किया है जो ओदेसा और मिकोलाइव का किया है। вооружение, в том числе 10 танков «Леопард», 11 американских БМП «Брэдли», 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши. Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт. कुल मिलाकर ये साफ हो चुका है कि यूक्रेन के मैदान में रूस हर तरफ से हावी होता जा रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग से डराने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां तूफान की वजह से सड़क पर सैलाब आ गया, जिसे देखकर लगा मानो वहां समंदर ही घुस आया हो, जिसमें कई गाड़ियां बहती हुई भी नजर आई। सड़क पर इतना ज्यादा पानी आ गया कि उसके तेज